फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल दी नास्तेदमस की भविष्यवाणियां साल दर साल सही साबित होती जा रही हैं। इस किताब का पहला संस्करण 1555 में आया था। नास्तेदमस की इस किताब में कुल 6338 भविष्यवाणियां हैं, जिसमें से अधिकतर सच साबित हुई हैं। 2021 के लिए उन्होंने महामारी, अकाल और तबाही जैसी भविष्यवाणियां की थी, जिन्हें कोरोना वायरस और दुनिया भर में इससे मची तबाही से जोड़ कर देखा जा सकता है। फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्तेदमस ने सदियों पहले लेस प्रॉफिटीज नाम की एक किताब में दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी। उनकी 70% भविष्यवाणियां हर साल सच साबित होती हैं। साल 2022 के लिए भी नास्तेदमस ने कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। आपको बता दें कि नास्तेदमस की भविष्यवाणी लोग होने के बाद बताते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए 2023 से लेकर 2025 तक होने वाली सभी भविष्यवाणियों को लेकर आए हैं। नास्तेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणियों को डिकोड करने के बाद आपको बताया जा रहा है। हमारी टीम ने नास्तेदमस की किताब को डिकोड करके कई साल आगे की भविष्यवाणियों को बताने का प्रयास किया है। इन भविष्यवाणियों को बहुत रिसर्च करने के बाद हम आपके सामने ला रहे हैं। ये भविष्यवाणियां भविष्य में सच होंगी या नहीं, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, परंतु नास्तेदमस द्वारा की गई इन भविष्यवाणियों को डिकोड करने के बाद आपको बता रहे हैं। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक वॉच करते हुए आ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मित्रों, आज का यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रिसर्च करने के बाद बनाया गया है, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और अंत तक देखिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तीन ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। तीन ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। हालांकि तीन ओर से और भी देश घिरे हुए हैं, जैसे मलेशिया, स्वीडन, स्पेन, इटली आदि, लेकिन इन देशों के महान शक्ति बनने की कल्पना नहीं की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि नास्तेदमस ने आगे चलकर यह स्पष्ट किया है कि वह देश एशिया में है और जिसका नाम सागरों के नाम पर आधारित है, अर्थात हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान। नास्तेदमस की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई थी, जिनमें 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की भविष्यवाणियां सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें कहा गया था कि दो लोहे के पक्षी नई भूमि की दो बड़ी सी चट्टान से टकराएंगे, जिसके बाद युद्ध होगा। इसके अनुसार इसके बाद से दुनिया में भारी परिवर्तन होंगे, सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष बढ़ेगा। 1999 के 7वें महीने में आतंक का सम्राट आसमान से उतरेगा। लादेख की गतिविधियां 90 के दशक में ही अपने चरम सीमा पर थी, जबकि रूस ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली थी। उसके पहले इराक पर हमला हुआ था और इसके बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले को सभी ने देखा था। नास्तेदमस की अगली भविष्यवाणी, कब होगा वह महान नेता? नास्तेदमस ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एशिया में 21वीं सदी में एक महान नेता जन्म लेगा। नास्तेदमस की भविष्यवाणी पढ़ने के बाद लगता है कि यह वह समय होगा जब एशिया में धार्मिक कट्टरता अपने चरम सीमा पर होगी, जैसा कि आज है। धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। 17 साल के भीतर 5 पॉप बदले जाएंगे, तब एक नया धर्म आएगा। तब जहाँ तक एक ही विचारधारा को मानने की बात है, तो ओशो राजनीश जैसे संतों को भारत, चीन सहित समूचे पश्चिम में ध्यान से पढ़ा जा सकता है, और उनके विचारों से विश्व में नए तरह की धार्मिक क्रांति होने लगी है। महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पॉप अपना मूल्य छोड़ देगा। पॉप बेनेडिक्ट 16वें ने अचानक इस्तीफा दे दिया और मूल्य छोड़ कर चले गए। 85 साल के पॉप वैसे ही कमजोर हो रहे थे। इससे पहले पॉप जॉन पॉल द्वितीय 26 साल अपने पद पर रहे। यह वह साल चल रहा है जबकि ऐसे माहौल में मुक्तिदाता आएगा शक्ति दूत बनकर। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक सत्व के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। इस तरह के नाम भारत में और वह भी हिंदुओं में ही पाए।
पाए जाते हैं। माना जा रहा है कि इस नेता से पहले सभी प्यार करेंगे, लेकिन बाद में उससे सभी भिड़ेंगे। वह दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा, उसकी शक्ति के आगे सभी राष्ट्रों को झुकना पड़ेगा। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा साइरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर भयभीत करने वाला होगा और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में ना हो सका, एक विद्वान शक्ति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। नास्तेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर शासन का उदय होगा। उत्तक भविष्यवाणी से लगता है कि उस महापुरुष का नाम सा से शुरू होगा। वरण या शरण, वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन साइरन नाम जरूर अजीब है। हालांकि कुछ विद्वान का मानना है कि वह नेता चीन से हो सकता है, क्योंकि नास्तेदमस ने स्पष्ट किया है कि वह नेता न तो क्रिश्चियन होगा, न मुस्लिम होगा, न ज्यू होगा। एशिया का वह महान नेता शांति दूत होगा। कुछ उत्तक भविष्यवाणी को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वे भी एक गरीब परिवार में जन्मे और उन्होंने भी अपना प्रारंभिक जीवन संत की तरह बिताया, और उन्हें भी पहले लोग नफरत करते थे, फिर प्यार करने लगे, और हो सकता है कि बाद में सभी लोग उनसे डरे। लेकिन साइरन और नरेंद्र शब्द में बहुत फर्क है, लेकिन यह स्पष्ट कहना कि यह भविष्यवाणी मोदी से संबंधित है या सही नहीं होगा। नास्तेदमस की अगली भविष्यवाणी, क्या सचमुच नास्तेदमस ने नरेंद्र मोदी के बारे में भविष्यवाणी की है? यह भविष्यवाणी 1555 में अपनी एक किताब द प्रोफेसीज में कर दी थी। फ्रेंच भाषा में लिखे अपने इस ग्रंथ में नास्तेदमस ने साफ लिखा है कि यह व्यक्ति भारत की काया पलट देगा। नास्तेदमस लिखते हैं कि एक महान व्यक्ति भारत में जन्म लेगा जो पूर्व के सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उससे भयभीत होकर उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए एक महान शक्ति और दो पड़ोसी देश षड्यंत्र रचेंगे, पर वह सभी के षड्यंत्रों को विफल करता हुआ प्रचंड बहुमत से सत्तासीन हो जाएगा। वह समुद्र से सटे किसी प्रांत में किसी छोटे जाति में जन्म लेगा, लेकिन सभी जाति के लोग उसके नाम पर एकजुट हो जाएंगे। जिस समय उसकी लोकप्रियता होगी, उस समय किसी गोरी चमड़ी वाली औरत का शासन होगा। लोग उसके शासन से त्रस्त होकर तुराही तुराही करेंगे। उस महान व्यक्ति का नाम एक महान संत के नाम पर होगा। उसकी प्रशंसा और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा कोई शक्तिशाली कोई ना होगा। नास्तेदमस की इस किताब का मराठी भाषा में महाराष्ट्र के मशहूर ज्योतिषी डॉक्टर रामचंद्र जोशी ने अनुवाद किया है। उनकी अनुदित किताब में लिखा है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, वह भारत के साथ ही साथ पूरी दुनिया में एक नया अध्याय लिखेगा। उसकी अगुवाई में भारत दुनिया में महान शक्तिशाली बन जाएगा। महान भविष्यवक्ता नास्तेदमस की 950 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र तीसरा विश्व युद्ध था। उन्होंने कहा था कि 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांतियां होंगी। उनका कहना था कि यह अवधि मुसीबतों, निराशा और बुराई से भरी होगी, साथ ही इन सबके बीच आशा और उम्मीद की किरणें भी होंगी। 2009 से 2012 तक के समय की उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद ही महान साइरन का विश्व पटन पर उदय होगा और धीरे धीरे वह अपनी ताकत बढ़ाता जाएगा। अंत में होगा वही जो वह चाहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।